नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेप एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। कहने का मतलब ये जो मैंने पिछली वीडियो में जो टॉपिक छोड़ दिया था उसी के बारे में आज चर्चा आगे करें। सबसे पहले इस पर देखेंगे आप कि ये जो सूक्ष्म या लघु और मध्यम उद्योग का स्वरूप क्या होता है, इसका निर्धारण कैसे होता है और हम कैसे कहीं बता पाएंगे कि कोई भी उद्योग वो सूक्ष्म उद्योग है या कोई लघु उद्योग है या कोई मध्यम उद्योग है। सबसे पहले 1950 में राजकोषीय आयोग ने कुटीर तथा लघु उद्योग में अंतर परिभाषित किया था। और जब किसी औद्योगिक इकाई में केवल परिवार के सदस्य ही कार्य करते हैं तो कुटीर उद्योग, कुटीर का मतलब होता है या हैंड इंडस्ट्री होती है, टीन इंडस्ट्री कहते हैं इसको। और अगर जब मजदूरी के बदले में काम करने वाले लोग 10 से 50 हो, ठीक है, कोई ऐसा उद्योग जहां से 10 से 50 लोगों को मजदूरी में रखा गया काम करा, से लघु उद्योग है। तो लघु कुटीर उद्योग की जो वैज्ञानिक परिभाषा तो को अधिक से अधिक तरीके से उस समय अधिकतम निवेश के आधार पर दी जाती थी। जब समय के साथ साथ ये सारी चीजें बदली तो 1950 जब विनिर्माण क्षेत्र में लघु औद्योगिक इकाइयां बढ़ने लगी तो उस समय 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश होता था और इस समय क्षेत्र इस क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए। अब देखिए उस समय 5 लाख रुपए, ठीक है, वो हम लघु उद्योग कहते थे, लेकिन आप कितने में कहते हैं 5 करोड़। किसी इकाई में अगर 5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो अधिकतम। ऐसे उद्योगों को विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्योग कहा जाता है जहां 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि लघु उद्योग क्या है, उद्योग उद्योग क्या है। दूसरी चीज, लघु उद्योग को भी हम 3 प्रकार से बांटते हैं। एक होता है लघु उद्योग जिसमें सहायक उद्योग और अति लघु उद्योग, 3 प्रकार से बांटते हैं क्योंकि इसको इसके बारे में तो चर्चा की गई है। एक अधिनियम आया था 2006 में, उस अधिनियम का नाम था कुटीर लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम 2006। तो उसके बारे में रूपरेखा दी गई थी और बाद में इसको हटा करके उद्यमों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है, एक विनिर्माण क्षेत्र और एक सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि ये जो विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले एक होता है माइक्रो, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म, लघु, स्मॉल और मध्यम या मीडियम। इस पे प्लांट एंड मशीनरी में निवेश के आधार पर किया जाता है। समझने की कोशिश करें, बहुत जरूरी है। इस पे कितना मशीनरी, मतलब कितना मशीनरी सामान लगाया गया, इसमें उसमें कितना निवेश किया गया है उसके अलग किया था। लेकिन जब 7 फरवरी 2018 इस साल की बात है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनकी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसके स्थान पर अब जो शुरू किया है वह है वार्षिक कारोबार। तो ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न पूछने के बहुत ज्यादा संभावना है। वार्षिक कारोबार के आधार पर किया गया है। वार्षिक कारोबार के आधार पर मतलब अब इस पे जो हमने अधिनियम जो बनाया था सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम अधिनियम 2006, तो थोड़ा संशोधन करके नया रूप बनाया गया। अब क्या बनाया गया है, अब जो न्यू है नया उसको आप लिख लीजिए। इस पे है कोई भी इकाई सूक्ष्म उपक्रम कहलाएगी जिसका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से कम हो। इसका वार्षिक कारोबार कितना हो, वार्षिक कारोबार जो है वो क्या है, 5 करोड़ से कम, लेस देन 5 करोड़, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को, इसको इसको हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म उद्योग, ठीक है। उसके बाद 5 करोड़ से ज्यादा हो किंतु 75 करोड़ से कम हो, ज्यादा हो 5 करोड़ से और छोटा हो कितना कम हो 75 करोड़ से वार्षिक कारोबार हो, उसे हम कहते हैं लघु उद्यम। समझने की कोशिश कीजिएगा। और तीसरे में हमारा आता है कि अगर 75 करोड़ से अधिक, ठीक है, 75 करोड़ से अधिक लेकिन
250 करोड़ से कम, ठीक है, तब उसे हम कहते हैं मध्यम उपक्रम या मध्यम उद्योग। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये अगर एग्जाम में पूछ लेगा लेटेस्ट तो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इतना करना हमारे बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इतना अगर कर लेंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि एक्चुअली में इसकी चीजें क्या है। ठीक है, अब इस पे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण, मैं आपको थोड़ा सा यूनिट बता दे रहा हूं क्योंकि उस एग्जाम में पूछती रहती है। जैसे आप जानते हैं कि सहारनपुर कास्ट नक्काशी के लिए फेमस है, सहारनपुर, ऐसे ही मोदी नगर रबर उद्योग के लिए फेमस है, पीलीभीत कास्ट पादुका यूपीपीसी क्वेश्चन पूछ चुका है, कांचीपुरम रेशम पारंपरिक साड़ी के लिए फेमस है, ऐसे चंदेरी एमपी पारंपरिक साड़ी उत्पादक क्षेत्र है, बापी अंकलेश्वर जगरासा उद्योग के लिए, ठीक है, सेलम हस्त शिवकाशी माचिस उद्योग के लिए फेमस है, अंबाला वैज्ञानिक उपकरण के लिए। तो यहां से चीजें क्या होती है, निर्यात विकास केंद्र है, ठीक है, यहाँ से लघु केंद्र है जो कि निर्यात करते हैं। ठीक है, अब इस पे जो राशि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, वर्तमान निवेश सीमा क्या बता दिया आपको मैंने, ठीक है, अब आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि दो प्रकार के क्षेत्र हमने चर्चा की, एक है हमारा विनिर्माण क्षेत्र, एक है हमारा सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब इस पे जो निवेश की सीमा क्या है वो तो टर्नओवर है, तो इस पे विनिर्माण क्षेत्र में हम तीन पार्ट बना लीजिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, ठीक है, ऐसे ही सेवा क्षेत्र बना लीजिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम। अब समझिए सूक्ष्म में जो निवेश की सीमा है 25 लाख, इसको प्रस्तावित किया गया है 50 लाख करने के लिए, लघु में 25 लाख से ज्यादा 10 करोड़ से कम, अब इसको किया गया है कि भैया इसको भी 50 लाख से ज्यादा किया जाए, मध्यम में 5 करोड़ से अधिक किंतु 30 करोड़, इसको प्रस्तावित किया गया कि भाई इसको 10 करोड़ से अधिक किया जाए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा किसमें विनिर्माण, जहां हम निर्माण करेंगे। सेवा क्षेत्र में बात करूं तो सूक्ष्म में 10 लाख रुपए, ठीक है, प्रस्तावित भी 10 ही है। दूसरी चीज में क्या है हमारा, लघु में 10 लाख से अधिक 5 करोड़ से कम, अब मध्यम में 2 करोड़ से अधिक किंतु 15 करोड़, प्रस्तावित भी इसको किया गया 5 करोड़। तो मैं थोड़ा सा बता दी, इसलिए मैं डिक्टेट कर रहा हूं ताकि आप उसको लिख सके और उसको समझ सके। दूसरी चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो वो ये जानना है कि ये जो उपकरणों में निवेश की बात आई है, इसके पीछे वजह यही है कि इसको और अधिक से अधिक बनाया जा सके। आपको पता है कि भारत में जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है जो जीडीपी में इनका 28.77% योगदान था 2015-16 में, और देश के औद्योगिक उद्योगों में इनका बहुत योगदान है। अगर देखा जाए औद्योगिक उद्योगों में तो इसका तो 97% योगदान है, तो बहुत जरूरी है। और इनमें लगभग 650 से लाख से ज्यादा उद्यमों की संख्या इस समय है और काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। और आपको पता है कि इससे मुख्य परीक्षा में प्रश्न भी कई बार बने और आगे भी बनेंगे, क्योंकि ये देश में व्याप्त बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, राष्ट्रीय आय और संपत्ति के असमान वितरण जैसे ढांचागत समस्याओं का समाधान करने के लिए एक प्रकार से रामबाण का काम करेंगे और करते भी हैं। तो यहीं से प्रश्न पूछेगा, तो पहला तो बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं,
क्षेत्रीय अनुसंधान सही कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय या संपत्ति का समान वितरण, ये जो बीमारियां हैं देश में उसको सही करने में अच्छा करता है। इसीलिए जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम बनाया गया सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जरूरी था हमें इन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम जो चलाया गया, सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि बनाई गई, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए जो ऋण संबंधी पूंजी सब्सिडी योजना शुरू की गई, ये सब क्या है, ये उद्योग पुनरुद्धार निधि योजना जिसे स्फूर्ति और सूक्ष्म और लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम जो मैं सब कुछ पहले बता चुका हूँ, इन सब का उद्देश्य यही है कि ये जो MSME इंडस्ट्री है इनको और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। और जब इसको बढ़ाएंगे तो उसका फायदा ये होगा कि देखिए आपको पता है कि अगर आपका एक गांव है, गांव में एक या दो कुटीर अगर उद्योग खुल जाते हैं, मैं थोड़ा सा उदाहरण समझा रहा हूँ, तो उस उद्योग में कम से कम नहीं तो 100 से 200 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार पा लेते हैं। और एक गांव में फैमिली कितनी होती है, 500 परिवार या 200 परिवार, ठीक है, इसमें ज्यादा लोग इसमें अगर लग गए तो उनके पास खाने की सुविधा, रोजगार की सुविधा भी हो जाएगी और इधर उधर फालतू का घूमना फागना उनका बंद हो जाएगा, तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल साबित हो सकता है। दूसरी चीज इसमें जो है हमारा कि आपको पता है कि ये जो उद्योग है इसके लिए वर्तमान सरकार काफी कोशिश कर रही है, इसलिए उन्होंने डिजिटल इंडिया की तर्ज पर ही 15 जून 2015 को उद्योगों के लिए रोजगार कार्यालय शुरू किया और दिसंबर 2017 के अंत तक इसमें लगभग 40 लाख MSME पंजीकरण करवा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए सफलता है, तो इसको भी याद रखेंगे आप। दूसरी चीज एक कार्यक्रम है नवोन्मेष और ग्रामीण उद्यमी संवर्धन योजना। नवोन्मेष ये क्या है सर, इसको समझने की कोशिश करें। नवोन्मेष का मतलब होता है इनोवेशन, इसका इसको इंग्लिश में इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसे आई एस्पायर ASPIRE, ए का मतलब लिख सकते हैं इसमें आ स्कीम फॉर प्रमोशन इनोवेशन एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स, मतलब इसको हिंदी में कहेंगे नवोन्मेष और ग्रामीण उद्यमी संवर्धन योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इससे अगले मुख्य परीक्षा में या आपके किसी भी स्टेट PCS में इससे क्वेश्चन पूछने कोई संभावना है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से उसको पढ़ें। है क्या ये 16 मार्च 2015 को एस्पायर का शुभारंभ किया गया, जिसमें ग्रामीण और कृषि को आधारित उद्योगों में नवोन्मेष करना और उसमें उद्यमिता के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार का उद्देश्य यह भी है, समझिए कि विशेष कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में MSME क्षेत्रों को अधिक ऋण मुहैया कराया जाए। उससे क्या होगा, जब वहां अधिक ऋण मुहैया होगा तो ग्रामीण युवाओं के बीच आशावादी मानसिकता आएगी, उसके अंदर उद्यमी कार्यकर्ता बढ़ेगी, ठीक है, और वो प्रोत्साहित होंगे और ग्रामीण महिलाओं के बीच नौकरी के अवसर ही पैदा हो सकेंगे। तो इस तरह उच्च स्तरीय समावेशी और सतत औद्योगिक विकास को हमें बढ़ावा मिलेगा। अब एक बात बहुत अच्छे से जानने की, ग्रामीण में क्यों ये धारणा ज्यादा दी रही है उद्योगों के लिए, क्योंकि देखो ग्रामीण में क्या होता है, उद्योगों के प्रति लोगों का उतना लगाव नहीं होता, उनको होता है सरकारी नौकरी। अभी गाँव से होंगे तो आप देखेंगे आपको उद्योगों से ज्यादा आपको सरकारी नौकरी को ढकेला जाएगा, कोशिश की जाती है कि आप सरकारी नौकरी ही करें, सरकारी नौकरी क्यों, क्योंकि सरकारी नौकरी में आपकी एक तो सैलरी फिक्स होती है भले कम हो, दूसरी चीज लगातार मिलती है, तीसरी चीज बीमार पड़ गए या कुछ हो गया तब भी आपको सैलरी आपकी मिलेगी। और ये सुनहरा भविष्य को देख करके पेरेंट्स जो है, हमारे जो माता पिता है, वो कोशिश करते हैं कि नहीं बेटा तुम्हें जाके सरकारी नौकरी करनी। तो एक प्रकार से जो आशावादिता जितनी नौकरी के प्रति होती है, मेरा ये मानना है कि अगर वो लड़का या लड़की अपने 12th पास करने के बाद या अपने BSc MSc करने के बाद अगर छोटा सा कुटीर उद्योग भी खोलता है, तो जब तक वो IAS IPS की तैयारी करता है, मुझे ऐसा लगता है अगर उसका दिमाग सही ढंग का है तो वो करोड़ों का टर्नओवर करना शुरू कर सकता है, ठीक है। तो ये बात है, अपने दिमाग पर रखना जरूरी। इसके बाद हमारा चला प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जानते हैं ये 2008-2009 से की गई, जिसकी
और प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार योजना को विलय करके फिर एमएसई मंत्रालय द्वारा उसको बनाया गया था। फिर क्लस्टर विकास जो है वो भी बनाया गया था ताकि कोशिश की जा सके कि एक विकास आयुक्त का कार्यालय हो जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टमलाइज है। ये 2012 की योजना थी, लेकिन जब 2014 के दौरान 71 क्लस्टर के विकास के हुए। क्लस्टर का मतलब है कि एक प्रकार से वहां पर जो साझा सहायक कार्रवाइयां होती हैं या उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए नए उद्योग क्षेत्रों को बढ़ाना, ठीक है, नए उद्योग क्षेत्रों को बढ़ाइए, वो क्लस्टर ही है, ठीक है। उसके अलावा सरकार लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण एवं प्रवाह उपलब्ध कराने के उद्देश्य क्या की, एक जो तीसरी थर्ड पार्टी गारंटर के बगैर 100 लाख रुपए तक, मतलब 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की गारंटी कवर उपलब्ध कराकर सूक्ष्म लघु उद्योगों को ऋण गारंटी निधि योजना, जिसे क्या कहते हैं CGTMSE, इसको क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, ठीक है, माइक्रो स्मॉल फंड, तो इंग्लिश क्या बोलेंगे, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, अरे एंटरप्रेन्योरशिप, ये बनाया गया 31 दिसंबर 2017 तक। इसमें कहा गया है कि लगभग कई लाख प्रस्तावक आए और उसमें से लगभग कई करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई, गारंटी के साथ दी गई। तो ये भी बहुत जरूरी है, इसको भी आपको याद करना, इस पे आपको पूरा दिमाग लगाना है, इस पे प्रश्न भी बन सकता है। चलिए मैं प्रश्न इसमें एक बोल देता हूं, उसको लिखिए और कोशिश करिए। सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई उद्यमों को ऋण गारंटी निधि योजना, जिसे CGTMSE कहते हैं, ने किस प्रकार से नए उद्योगों, खासकर लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण प्रवाह उपलब्ध कराकर भारत के विकास में अपने योगदान को बढ़ाया है या घटाया है, समीक्षा करें। 250 शब्द उसके लिखिएगा, लिख करके मुझे टेलीग्राम चैनल हमारा जो है जेपी का सेव करें, इसमें मुझे भेजिएगा, ठीक है। दूसरा, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो 9268683079 ये नंबर है, जिस पे आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नाम सर्च करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जुड़ लेंगे। तो ये है हमारे, इसी प्रकार से ऐसा नहीं कि पहले कोई चीज आ गई, इसके पहले भी हमारे पास अच्छे फंडिंग के लिए लघु उद्योग के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया। पहले 1986 में लघु उद्योग विकास फंड बनाया गया था, 1987 में राष्ट्रीय इक्विटी फंड बनाया गया, 1988 में संस्थान ऋण लेने की योजना बनाई गई, सिंगल विंडो स्कीम कहते हैं, और एक बैंक याद रखिए जो SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलग से शीर्ष बैंक के रूप में 1989 में उसको बनाया गया। और अन्य संस्थाओं जैसे राज्य वित्तीय निगम है, राज्य औद्योगिक विकास है निगम है, वाणिज्यिक है, बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से भी लघु उद्योग के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये भी चीजें चलती हैं, ठीक है, तो इतना ध्यान रखने की आपको जरूरत है। इसके अलावा क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, जिसे CLCSS कहते हैं, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, CL क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ठीक है, ये एमएसई मंत्रालय सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जो है सूक्ष्म लघु उद्यमों को प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुविधाजनक बनाना। अक्टूबर 2000 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा, अक्टूबर 2000 में शुरू की गई थी और 29 सितंबर 2005 को संशोधित किया गया था, इसमें भी काफी अच्छा काम हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बात। इसके अलावा जो हमारा एक टॉपिक है, इस पे आप देखेंगे कि मैंने एक इसमें चीज रखी थी कि औद्योगिक रूढ़ता, ठीक है, ये क्या है, उद्योग क्या है, उसके घटक क्या है, ठीक है, उद्योग एवं उसके घटक, इसके बारे में बात करते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो हमें पाते हैं क्या कि सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है कि उद्योगों में कई घटक है, उसमें पहला घटक है औद्योगिक रूढ़ता, इसको लिख लीजिए औद्योगिक, बार बार कह रहा हूं मैं कि हमारा उद्देश्य यूटी पास करनी, हमारा उद्देश्य सिविल सर्वेंट बनना,
और सिविल सर्विस पास करने के लिए मुख्य परीक्षा से गुजरना बहुत जरूरी है, सिर्फ गुजरना ही नहीं बल्कि अच्छे से लिखना जरूरी है। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। औद्योगिक रुग्णता, रुग्णता ठीक है, ये औद्योगिक रुग्णता क्या है, इसे हम रुग्णता का मतलब एक प्रकार से इंग्लिश वर्ड समझे सिकनेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस, ये समस्या भारतीय उद्योग क्षेत्र में प्रमुख समस्या है। इस समस्या पर विचार करने के तिवारी समिति बनाई गई थी 1981 में। कौन सी समिति सर? तिवारी समिति, याद रखेंगे आप, मन करे तो पढ़ भी लेना इसके बारे में। 1981 में इसकी सिफारिश के आधार पर 1985 में रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट जिसे कहते हैं, याद करिए सीका, कभी अगर पढ़ा होगा अच्छे से सीका, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट, ये 1987 के आसपास बनाया गया था। और उसी समय एक संस्था बनाई गई औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR, ताकि औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान का उत्तरदायी उसको दिया गया। और बाद में संसद द्वारा दो अधिनियम भी पारित किए गए, ठीक है। और ये जो मैं आपको बताया ना BIFR, ये सांवैधानिक संस्था है, ठीक है, दो अधिनियम पारित किए गए, कंपनी विधेयक 2002 जिसे 5 फरवरी 2023 लागू किया, जिसमें प्राथमिक उत्पादकों को एक नए प्रकार का संगठन स्वरूप प्रदान किया गया, ठीक है। दूसरा कंपनी विधेयक में संशोधन 2002 में किया गया, राष्ट्रीय कंपनी पीडित ट्रिब्यूनल NCLT बनाया गया, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है NCLT के बारे में, तो NCLT को आप लोगों ने सुनी कोई नई संस्था, बहुत पुरानी संस्था ही, ठीक है। यह ट्रिब्यूनल जो बनाया गया, कंपनी विधि बोर्ड, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड BIFR, उच्च न्यायालयों और सीका, ये सब कार्य संचालन करता था। इस ट्रिब्यूनल ने क्या किया, रुग्णता को पुनः परिभाषित किया, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास निधि की स्थापना एवं ऋणदाताओं से संरक्षण प्राप्त लेना, वापस लेना जैसे कई कार्य किए गए। और जब इस कानून के अनुसार कंपनी बंद करने की पूरी प्रक्रिया करीब 2 वर्षों में ही पूरी की जाएगी, जबकि वर्तमान व्यवस्था के तहत इतना लग जाता है, अगर कोई कंपनी बंद कर करना कर चाहता है तो उसको कम से कम नहीं तो आपको पता है 18 से 26 वर्ष लग जाते हैं। तो एक बड़ी समस्या है, ठीक है। इस समस्या को भी क्या किया गया, पूरी तरह से सही किया गया, कोशिश की गई। इसके अलावा इसमें आपको पता है नए अधिनियम जो बनाया गया है हमारा ट्रिब्यूनल का, इस ट्रिब्यूनल का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में, ठीक है, और 10 पीठ है इसकी, इसकी अपीली पीठ जो है दिल्ली में, अपीली पीठ के निर्णय मुद्दा पर याचिका सर्वोच्च न्यायालय दायर कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि NLCT के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो डायरेक्ट हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट का ऑप्शन ज्यादा होगा आपका नहीं होगा इसमें, तो याद रखना है। क्योंकि इस अधिनियम के तहत किया क्या गया है कि कोई भी कंपनी हमारी, कोई हमारी कंपनी है, किसी कंपनी को रुग्ण औद्योगिक कंपनी तब कहा जाएगा जब विगत लगातार 4 वर्षों में, लगातार 4 वर्षों में किसी एक या अधिक वर्षों में वित्तीय वर्ष के अंत में इसकी संचित हानि, जो इसकी हानि है, जो इसका घाटा है, उसकी नेट वर्थ का कितना हो 50% या इससे अधिक हो, और जो लगातार 3 तिमाहियों तक अपने ऋणदाताओं को अपनी देयताओं का भुगतान करने में असफल रही हो, उसी को क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो उपरोक्त अधिनियम के तहत गठित जो मैं बताया, और जो भी इंसॉल्वेंसी फंड के भरण के लिए बड़ी कंपनियों पर उनके वार्षिक टर्नओवर का जो सेस है वो लगाने का प्रावधान किया जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर इसके जो अधिभार है, जो सेस, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत जरूरी है NCLT के बारे में जानना। तो और थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन करें आप, NCLT क्या है, NCLT एक्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो फंड यहाँ से इकट्ठा करती है, तो इसका इस्तेमाल रूप कंपनियों की पुनर्संरचना करना एवं उन्हें बंद करने के प्रक्रिया दौरान श्रमिकों को जो देवताएं हैं, भुगतान है, वो देना। अच्छा, ये जानने के लिए आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बहुत सारे, जैसे आप देखते हैं किंग की सरकार भागाबाद, ठीक है, और भी कई सारे लोग देश में कंपनियों को, व्यापार को अपने सैलरी ना दे करके भाग गए, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि है क्या। इसके बाद आता हमारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, अगर आप इसको अच्छे समझेंगे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग,
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसकी स्थापना जो की गई थी 2009 में की गई थी। क्यों? इस आयोग में एक अधिकारी एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग का स्थान ले लिया इसने, जो पहले था। एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य एकाधिकारी शक्तियों पर अंकुश लगाकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा कंपनियों के विलयों या अधिग्रहण पर निगरानी रखना। आपको पता है कि क्या होता है, किसी मार्केट में एक ही व्यक्ति की जब एकाधिकारता एक ही कंपनी को जाती है तो बहुत समस्या होती है, उसको दूर करना। अशोक चावला की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने जो अपनी कार्य शुरुआत की थी, ठीक है, और अधिनियम 2002 प्रतिस्पर्धा नियम 2002 जब लाया गया था, उसको संशोधन करने के बाद 2002 से 2007, 2009, 2017 तीन बार संशोधन किए गए, ठीक है। और जो संशोधन किए गए तो कुछ नहीं, वही जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अधिनियम के प्रशासन हेतु प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण को आयोग द्वारा जारी निर्देश किए गए, फिर अपूल सुनने निपटान करने के प्रावधान में किया गया। जो 2009 में उप संशोधन, तो जो इसके पास लंबित या मामले हैं जांचों को फिर से थोड़ा सही देने के लिए कोशिश की गई। लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है 2017 में जो इसमें क्या बदलाव हुए, क्योंकि अभी का है। 2017 में पुनः एक संशोधन करके राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली अधिकरण NCLAT या NCLAT, बहुत ज्यादा जरूरी है, NCLAT, ठीक है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली अधिकरण 26 मई 2017 को ये लागू किया गया। हमारे जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो इस लागू किया गया और ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो आप लोगों को पता भी होगा, इस पे मैंने लिखा भी है, देखिए यहाँ पर मिनी रत्न, नवरत्न और भारतरत्न कंपनियां क्या है, इनको कैसे दर्जा मिलता है, मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला, उसी की चर्चा कर रहा हूं आपसे। सबसे पहले मिनी रत्न, भाली में जो भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड है IRFC, इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। और लगभग जो ये मैं आपको मिनी रत्न, ठीक है, नवरत्न, महारत्न, ये सब बता रहा हूं। तो हाल ही भारतीय रेल वित्त निगम दिया गया और मिनी रत्न की समय संख्या कितनी होगी, लगभग 7500 होगी, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए कि वैश्विक मंदी में जो ये प्रभाव जो हो रहा है, शिथिल हो रहे हैं शेयर बाजार और म्यूचुअल फंडों में, जो जान फूकने सरकार कोशिश की रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों को अपने अतिरिक्त नगद शेष का 30% म्यूचुअल फंड में निवेश करने की मंजूरी प्रदान की गई। हालांकि एक वीडियो में बताऊंगा पूरा म्यूचुअल फंड क्या, शेयर क्या, आपको बहुत अच्छे से सीख लेंगे आप, बस आप लगातार वीडियो को देखते रहें, आप पूरी देखने की कोशिश करें। सार्वजनिक क्षेत्र ने म्यूचुअल फंडों के माध्यम से ही इन कंपनियों को निवेश करने की अनुमति, याद रखना ये बहुत जरूरी है। क्या मैं बोला, इसको अच्छे सुनने की कोशिश करें कि सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों के माध्यम से ही इन कंपनियों को निवेश की अनुमति होगी। अब ये यहाँ से UPSC या किसी भी स्टेट के घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखें। ये जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं तीनों बंटवारा किया गया है, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न का, पूछ सकता है कब शुरू किया गया। तो मिनी रत्न योजना शुरू की गई थी 9 अक्टूबर 1997, ठीक है। इसमें दो है, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2, इसको दो पार्ट बना दिए गए, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2। मिनी रत्न 1 में 60 कंपनियां लगभग है, मिनी रत्न 2 में लगभग 15 कंपनियां, ठीक है। नवरत्न की का बात की जाए, इनकी स्थापना जो हुई थी, ये नवरत्न की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1997 को, और महारत्न की बात की जाए तो ये प्रारंभ किया गया था ये 24 दिसंबर 2009 को, ठीक है, इतना याद रखें। अब नवरत्न क्या है, सितंबर 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र की भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन BPCL को महारत्न का दर्जा दिया गया। समझिए कोशिश करिए, मतलब इसके पूर्व फरवरी 2003 में दो नवरत्न कंपनियां बनाई गई थी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनको भी
क्या किया गया था, इनको इमारत का दर्जा इसके पूर्व, ठीक है। अब इस पे तीन क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, कौन सी, एक तो रेलवे वाला उसमें पुट कर देगा, तो रेल वाले में लगेगा कहीं मिनरत्न नहीं, नवरत्न क्या है, तो बहुत अच्छे तरह समझिएगा को मिनरत्न उसको बनाया गया है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल को अब क्या बना दिया गया है, भारत बना गया है, ठीक है, साथ में गेल और भेल बीएचईएल इसको बना दिया गया, तो ये एक दो तीन इनका नाम जरूर याद रखिए, ठीक है। तो अब इस प्रकार महारत्न की कंपनियां कितनी हो गई हैं अप्रैल 2018 के अनुसार, 8 हो गई हैं, तो ये भी याद रखिएगा 8 हो गई, कितनी हो गई हैं 8 हो गई महारत्न कंपनी, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा वो चीजें बताते जा रहा हूं। अब ये होती क्या है, मतलब निवेश के आधार पर और इनके टर्नओवर का आधार, महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों को निवेश के मामले में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सवाल स्वतंत्रता का है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की बिना अनुमति के ही निर्णय ले सकती है। कौन सी कंपनियां, नवरत्न कंपनी, ठीक है। ये 1,000 करोड़ रुपए तक के निवेश की प्रस्ताव जो भी लेंगे बिना सरकार की पूर्व अनुमति, वही महारत्न कंपनियां क्या कर सकती हैं, ये 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है। तो इसीलिए नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 से घटकर अब 14 हो गई है, फिर दो कंपनियां भारत में आ गई। ऐसे ही जून 2014 को सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड एवं नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी नवरत्न का दर्जा दिया गया, तो ये भी याद रखिए दो कंपनियां, और इसलिए उनकी क्या हो गई है, नवरत्न कंपनियां 16 हो गई है। जुलाई 2014 में भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड कामकार को भी सुनोगे, इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है, फिर जाके इसकी संख्या 16 हो गई। और 11 सितंबर 2017 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, आपको पता चल गया किसका मदद कर रहा हूँ, सेबी के विनियमन 30 के तहत भारत सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी नवरत्न दर्जा प्रदान किया गया, और वर्तमान में नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या पुनः घटकर क्या हो गई, 16। तो अभी भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल निकाल दिया गया। वर्तमान में कुल 75 कंपनियां मेहनत कंपनी का दर्जा प्राप्त की गई, ठीक है। तो याद की आपको याद करना जरूरी है। अब ये जो महारत्न है नवरत्न है इसको कैसे कौन डिसाइड करता है, क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या है, कौन पा सकता है महारत्न कंपनी की आवश्यक दशाएं, तो भारत की जान लीजिए, महारत्न कंपनी कौन बन सकती है ये पूछ सकता है पीटी में घुमा कर, ठीक है, जो आने वाला है बहुत ध्यान से समझिएगा। नवरत्न, पहली बात महारत्न की दशाएं क्या है, कौन बन सकता है, नंबर एक उसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, नंबर दो सेबी के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, नंबर तीन में है पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ रुपए किया, 25,000 करोड़ से ज्यादा का हो, 3 वर्षों के दौरान औसत सालाना कारोबार, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, संपत्ति देखो ये कारोबार था और उसकी संपत्ति की बात कर रहे हैं, कितनी हो, 15,000 करोड़, और कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत सालाना शुद्ध लाभ उसको कम से कम सब कुछ टैक्स वैक्स देने के बाद उसको 5,000 करोड़ क्या मिल रहा हो, सालाना औसत सालाना शुद्ध लाभ मिल रहा हो, और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति हो या अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशंस उसके होने चाहिए। तो ये हमारे हो गए, ये 6 हमारे जो पॉइंट है ये महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। मैं आपको 8 महारत्न कंपनियों के नाम बता देता हूं, उनको आप अगर समझ लेंगे तो उसके बाद आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि महारत्न कंपनियों से ही क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि अगर महारत्न आपको पता है तो बाकी आप चीजें कर सकते हैं अच्छे से। इस पे सबसे पहला आप देखिए, मैं अप्रैल 2018 के अनुसार बता रहा हूं आपको, तेल प्राकृतिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, देहरादून मुख्यालय है, तेल एवं प्राकृतिक गैस
बनाती है, ठीक है। ओएजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। दूसरी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आई ओ सी एल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1958 बनाएगी, नई दिल्ली है, डीजल गैस एंड पेट्रोल केमिकल करती है। दूसरी हमारी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ जो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये 1973 बनाई गई थी, नई दिल्ली स्टील ऑयल करती है। फिर है हमारा एनटीपीसी, एनटीपीसी ये बनाई गई हमारी 1975 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के लिए है। उसके बाद है सीआईएल, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1975 में बनाई गई थी, इसका मुख्यालय कोलकाता है, ठीक है, कोयला खनन वगैरह करती है। उसके बाद आ गई हमारी गेल, जी ए आई एल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है, 1984 बनाई गई थी, और इसका काम जो है पेट्रोलियम और गैस का करना है, इसका नई दिल्ली मुख्यालय। फिर है भेल, बी एच ई एल, भेल, बी एच ई एल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये 1964 में बनाई गई थी, नई दिल्ली मुख्यालय इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर उद्योग है इसका। उसके बाद है बीपीसीएल, बीपीसीएल इसे कहते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1976 बनाई गई थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है, तेल पेट्रोलियम कंपनी। इनको रट लीजिएगा बंधु, इसमें से खासकर अभी जो इसमें नई नई एंट्री हुई, ठीक है, इतना कर लेंगे आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। उसके अलावा हम बात करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करते हैं और इसको चर्चा को विस्तार देते हैं। इस पे राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 की चर्चा में कर रहा हूँ। ये जो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 है, ये 4 नवंबर 2011 को लाई गई थी, ठीक है, और इस नीति का जो उद्देश्य था वो ये था कि जीडीपी में जो विनिर्माण का अंश बढ़ाकर 25% करना है, ठीक है, और वर्ष 2022 तक, इसलिए प्रश्न पूछने के समय 10 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना है। तो यह नीति राज्यों के साथ मिलकर औद्योगिक विकास के लिए सिद्धांत प्रारित है ना, केंद्र सरकार इसके लिए समर्थ नीति रूपरेखा विकसित करेगी, और यह नीति ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करेगी और सशक्त बनाएगी, उसमें आप कौशल इंडिया जोड़ सकते हैं, कौशल विकास योजना, और उपयुक्त वित्तीय योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी के आधार पर अवसंरचना विकास के लिए प्रोत्साहन देगी, जिससे क्या हो सके, ग्रामीण विकास या ग्रामीण युवक रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। स्थायी विकास जो इस नीति की भावना का अभिन्न अंग है, और इसमें तकनीकी मूल्य संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, किस पर ध्यान दिया जाएगा, तकनीकी मूल्य संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब ये क्या है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की प्रमुख विशेषताएं अगर पूछ लिया क्या बताएंगे आप, अगर पूछता है एमएमपी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो फटाफट इसको लिख लीजिए, मैं बोले जा रहा हूं, लिखने में दिक्कत होगी। पहला इसका है नंबर एक, कारोबारी विनियमों के तर्कसंगत बनाए जाए, आसान बनाया जाए जो नियम, ठीक है, आपको पता है अगर वो कारोबारी नियम सही होंगे, तर्कसंगत होंगे, तो किसी को भी कारोबार खोलने में आसानी होगी। नंबर दो, इकाइयां बंद करने के लिए आसान व त्वरित प्रक्रिया की जाए, कई बार क्या होता है कि अगर एक कंपनी चल रही है उसके घाटे चल रही है तो बेचारे चलाने मजबूरी हो जाए, जबकि वो वहां से निकल करके अच्छे काम भी कर सकता है, ठीक है, बहुत जरूरी है। तीसरा, लघु और मझोले उद्यमों के लिए प्रोत्साहन भत्ते दिए जाए, अगर मान लीजिए उनको थोड़ा नहीं चल पा रहे, कोई दिक्कत हो तो उनको प्रोत्साहन भत्ता दीजिए, थोड़ा सा टैक्स माफी दीजिए। चौथा, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के कदम को जाए, अगर प्रशिक्षण को औद्योगिक प्रशिक्षण मिलेगा तो वो और अच्छा कर पाएंगे। पांचवा, आप लिख सकते हैं तकनीकी विकास किया जाए, हरित तकनीकी समेत वित्तीय एवं संस्थागत तंत्र को विकसित किया जाए। तो पांच पॉइंट है, इस पांच पॉइंट को आप आराम से 250 शब्दों में, 150 शब्दों में जितने भी पूछे आप लिख सकते हैं, ठीक है, और आपको पूरे मार्क्स अच्छे, मतलब पूरे नहीं पर अच्छे मार्क्स मिल ही सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक हमारा है राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है, NIMZ, राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट, और क्या हमारा ये क्या है, जो विनिर्माण करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, इसकी चर्चा करते हैं, ये क्या है,
इसकी स्थापना की गई थी अत्याधुनिक अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त एक बड़े एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में बनाने की, और इससे विनिर्माण उद्योग के लिए सहायक वातावरण मिलेगा। विनिर्माण उद्योग को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, सहायता करेगी। इसको स्वशासन स्वायत्त निकाय के रूप में काम करने के लिए बोला गया, क्योंकि संविधान में जानते राज्य सरकार दोनों, संविधान के अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा 243(1) का सी, ये क्या है, ये कहता है कि एक औद्योगिक नगर घोषित किया जाएगा राज्य सरकार। इसलिए 11 मार्च 2016 तक 22 NIMZ को स्वीकृति दी गई, ठीक, और 8 DMIC के साथ 14 DMSC मतलब अच्छे किए गए। DMIC का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, DMIC ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, 8 निवेश और घोषणा की गई। पहला जैसे अहमदाबाद धौलेरा निवेश क्षेत्र गुजरात के आसपास है, सेंद्रा बिकदिन औद्योगिक पार्क सिटी औरंगाबाद के निकट महाराष्ट्र में, ठीक है, और ऐसे ही एक मानेसर बावाल निवेश क्षेत्र हरियाणा में, याद रखिएगा सब जो बोलते जाए उसको लिखते जाइए। फिर एक है खुशखेड़ा भिवाड़ी, ये है नीमराड़ा निवेश क्षेत्र राजस्थान में, पीथमपुर से धार महू निवेश क्षेत्र मध्य प्रदेश में, दादरी से नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, और दीघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र महाराष्ट्र में, और जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान में। तो ये DMIC के क्षेत्र हैं, 14 NIMG भी बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में नागपुर है, आंध्र प्रदेश में प्रकाशम है, आंध्र प्रदेश चित्तूर है, तेलंगाना रंगारेड्डी महबूब नगर, तेलंगाना में मेंढक है, और कर्नाटक में तुमकुर, ये कर्नाटक कोलार, कर्नाटक बीदर, और कर्नाटक गुलबर्ग, ओडिशा में कालीनगर, तमिलनाडु में पोन्नेरी थिरुवल्लूर, तमिलनाडु में रामानासपुरम, उत्तर प्रदेश में औरैया, उत्तर प्रदेश झांसी, ये क्या है, ये DMI दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बाहर के हैं, NIMZ, ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं राष्ट्रीय निवेश निर्माण क्षेत्र, तो ये हमारे जानना जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रीय समाज सुरक्षा कोष बनाया गया है, आपको पता होगा क्या है, केंद्रीय मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बनाया है राष्ट्रीय समाज सुरक्षा कोष। तो याद रखना उसे पूछ लेगा एग्जाम में कि संगठित या असंगठित या सबके लिए, तो अब ये किसके लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर ज्यादा है सबके लिए, ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष, ठीक है, केंद्रीय मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बनाया है, इसकी मंजूरी जुलाई 2011 में प्रदान की गई। अब क्या क्या है इसमें, इसके अंदर बुनकर, ताड़ी विक्रेता, रक्षक, रिक्शा चालकों, बीड़ी मजदूरों आदि को समर्थन योजना पर 1,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए इस कोष का गठन वित्त मंत्री जी ने की थी, हमने बजट भाषण 2010-11 में, और ये असंगठित क्षेत्र के विभिन्न अनुभागों के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं पर सहायता करेगा। देश में अगर देखा जाए कुल वर्कफोर्स का 94% से अधिक भाग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, सुनिए अच्छे से, 94%, तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या भी लगभग 45 करोड़ अनुमानित है, है ना। तो ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने अपना जीवन, अपंगता, बीमा, स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन जैसे सुरक्षा करनी होती इनको, तो ऐसे कामगारों के लिए ये जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल अथॉरिटी एक्ट 2008 में पारित किया गया, इसका उद्देश्य यही था कि इनको थोड़ा सा क्या किया जा सके, सामाजिक सिक्योरिटी दी जा सके, ठीक है, ताकि उनको और अच्छा इनका विकास किया जा सके। और इसकी नोडल एजेंसी है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इस कोर्स का जो नोडल एजेंसी है, ठीक है। एक और चीज मैंने बोली आपको, MCAP, क्या है MCAP? MCAP इसका मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कंपनी के सभी शेयर में या सभी शेयर के सकल बाजार मूल्य से सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, या किसी अर्थव्यवस्था की जैसे वित्तीय परिपक्वता कितनी है, मतलब वित्तीय फाइनेंशियल मैच्योरिटी, व देश में निगमीकरण मतलब कैपिटलाइजेशन स्थिति प्रदर्शित करता बताता है, और लगभग सभी विकसित राष्ट्रों में कंपनियों का बाजार पूंजीकरण होता है और उनके सकल घरेलू उत्पाद के बराबर या उससे अधिक ही है। कम विकसित पूंजी बाजार वाले राष्ट्रों में यह अनुपात कम होता है। तो MCAP जो है भारत सबसे मूल्यवान कंपनी जो है MCAP के नजर में रिलायंस इंडस्ट्रीज निकाली गई थी, और IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में
एमएमटीसी जानते हैं, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के निकाले गए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं याद रखिएगा, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। दूसरा हमारा राष्ट्रीय निवेश कोष, राष्ट्रीय निवेश कोष क्या है, सार्वजनिक उपक्रमों को विनिवेश से प्राप्त राजस्व को सुनिश्चित इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय निवेश कोष के गठन की मंजूरी दी गई और इसकी शुरुआत वैसे 2007 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके विनिवेश से शुरू, लगभग 1000 करोड़ रुपए राशि से शुरू की गई थी और सार्वजनिक उपक्रम विनिवेश को प्राप्त होने वाली इस राशि जो भी राशि होती है इस कोष में जमा हो जाती है और ये राशि भारत के संचित कोष जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये भी याद रखना के बाहर होती है, ठीक है। इस राशि के 75% भाग के इस्तेमाल किसमें किया जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में और 25% का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निवेश के लिए किया जाता है, ठीक है। इस राशि के प्रबंधन के 3 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां को सौंपा गया, एक है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दूसरी एसबीआई फंड मैनेजमेंट कंपनी और एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये 3 कंपनी, ठीक है। तो इतना हमें याद करना ये जरूरी था। इसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष, आपने सुना होगा NIIF, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2015 में देश के अवसंरचना परियोजना के कार्य को त्वरित करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए के फंड से शुरू किया गया था, ठीक है, और इसमें 20,000 करोड़ रुपए का योगदान केंद्र सरकार का, 20,000 निजी से किया जाएगा, तो बहुत जरूरी आता है। 40,000 थी 50% की सिलाई से, लेकिन सरकार की हिस्सेदारी इसकी जो सब्सक्राइब कैपिटल में 49% तक है और बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय ओवरसीज निवेशकों में इसके काफी प्रोत्साहित किया गया। और इसमें एक क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि इसका क्या महत्व है, क्या उचित है, ठीक है, कोई दोराय नहीं है ना ही कोई चीज है कि जो हमारा NIIF है इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, यूपीएससी 100% पूछ सकता है, इसको आप बिल्कुल तैयार करके जाइए। क्या काम करेगा, देश की अवसंरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों जैसे राष्ट्रीय आवास है, भारतीय रेल वित्त निगम है, इनको इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराएगा जिसे कंपनी आगे निवेश के लिए प्रदान करेंगी और यह कोष या ट्रस्ट जो है बैंकरों के बैंकर के रूप में काम करेगा। इसकी गवर्निंग काउंसिल प्रथम बैठक 29 दिसंबर 2015 केंद्रीय वित्त मंत्री जो अरुण जेटली ने शुरू चुकी थी और 28 दिसंबर 2015 को इसमें भारतीय प्रतिभूति अधिनियम जो सेबी है इसको श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश निधि के रूप पंजीत कराया गया था, वहां भी पंजीकृत किया था, तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद एक चर्चा करते हैं थोड़ा सा कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 की, बहुत जरूरी है। ये मनाया गया सर 29 अगस्त 2013 को प्रणब मुखर्जी द्वारा लाया गया था, मतलब स्वीकृत किया गया था। इस अधिनियम में 29 अध्याय हैं और 470 धाराएं हैं, 7 अनुसूचियां हैं। इसमें क्या क्या है, अनुपालन पारदर्शिता को बढ़ावा देना, स्वनियमन को बढ़ावा देना, कारपोरेट सामाजिक दायित्व जिसे कहते हैं को बाध्यकारी बनाया जाए, बहुत जरूरी प्रॉब्लम, ठीक है। सी कारपोरेट CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कारपोरेट सामाजिक दायित्व, ये है क्या कि मान लीजिए आप 100 करोड़ कमाते हैं तो उसमें से कुछ परसेंट 1% 2% जो भी है आप सोसाइटी के विकास सामाजिक विकास पेयर क्षेत्र में लगाइए, स्वास्थ्य शिक्षा इसमें कंपलसरी लगाना। और ये 1956 जो कंपनी अधिनियम को स्थिर स्थान पर लाया गया था। अब ये 470 जो धाराएं इसमें 326 धाराएं जो है अधिसूचित की जा चुकी हैं और एक व्यक्ति द्वारा भी कंपनी स्थापित की जा सकती है, अब एक ऐसा है, पहले ऐसा नहीं था, बहुत जरूरी, अब एक व्यक्ति भी क्या कर सकता है, कंपनी बना सकता है। अब CSR में बड़ी चीज क्या है कि अपने लाभ का 2% खर्च करना होगा, कंपनियों को 2% खर्च ना करने की वजह शेयर धारकों को बतानी होगी क्यों नहीं किया। धोखाधड़ी के लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये भी याद रखिएगा, SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, बहुत जरूरी, कौन सा दर्जा प्रदान, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी कार गतिविधियों को अपराध की श्रेणी लाया गया, कारपोरेट घोटालों के लिए स्पेशल कोड बनाया जाएगा, लगातार 2 वर्षों तक कारोबार नहीं करने वाली कंपनियों को निष्क्रिय घोषित किया जा सकेगा, ठीक है। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले औसत वेतन की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, किताब दे रहे हैं, और जो भी निदेशक डायरेक्टर होंगे वेतन कम शुद्ध लाभ के 5% ज्यादा उनका नहीं होगा कंपनी। सभी कंपनियों के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च का होगा। शेयरधारकों को ई वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। कंपनियों किसी एक ऑडिटर की सेवा 5 वर्ष तक के लिए ही ले सकेंगे, फिर दूसरा बनना पड़ेगा। तालाबंदी की स्थिति कंपनियों को 2 साल के वेतन का भुगतान कर्मचारियों को करना होगा।
सेबी को कंपनी पर कार्रवाई का अधिकार प्रदान किया गया इसमें, ठीक है। जैसे क्या क्या प्रदान किया गया, जैसे देखिए कंपनी जो निदेशक मंडल में कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे और इसकी अधिकतम संख्या 12 से 15 कर दी बढ़ा दी गई। निदेशक मंडल कम से एक महिला का होना आवश्यक है, ये तो क्वेश्चन ही पूछ चुका है सीसीडी यूपीएससी पीटी में। कोई व्यक्ति 20 से ज्यादा कंपनियों के में निदेशक नहीं हो सकता, 20 से। स्वतंत्र निदेशकों को 6 साल में बदलना जरूरी है। निजी कंपनियों की अधिकतम कर्मचारी संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी, सीईओ, सीएफओ, प्रमोटर सहित 33 विषयों की नई परिभाषाएं दी गई। तो बहुत सारी चीजें जो अच्छी की गई हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता दिया, क्योंकि ये पूछने की और भी उम्मीद है, नहीं तभी तो आगे तो उम्मीद आ गई आएगी, ठीक है। तो हमने बता दिया, इसके बारे में चर्चा कर दी, राष्ट्रीय व्यय और संरचना कोष कंपनी सब कुछ हमने चर्चा कर दी। एक छोटा सा एक मैं अपने से थोड़ा सा एक टॉपिक और एक बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछने की उम्मीद भी है। आर्थिक गलियारे काफी चर्चा में है, तो औद्योगिक गलियारों या आर्थिक गलियारे हैं क्या, इसको मैं थोड़ा सा आपको चर्चा कर देता हूँ। देखिए, आर्थिक गलियारों का विकास सरकार की महत्वपूर्ण नीति का पहल होती है ही। इससे क्या होता है, औद्योगिक विकास होगा तो आय और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा, और कुछ औद्योगिक गलियारे का विकास किया, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। फिर दूसरा हमारा है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तीसरा हमारा है बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चौथा हमारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पांचवा हमारा है आपको पता होगा पूर्वी तट आर्थिक गलियारा परियोजना, और छठा हमारा है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। पहला कोर्स का दिल्ली मुंबई, सॉरी पांच ही है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल तो ही होगा, हमारे पास पांच आर्थिक गलियारे हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में बता देता हूँ। जो सबसे पहले हमारा है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है क्या, ये लिखते लीजिए, फटाफट लिखते जाइए। दिसंबर 2006 भारत सरकार इसमें 49% की हिस्सेदारी, इसमें जापान बैंक जो है 26% है, और अन्य वित्तीय संस्था 25%। 2 मार्च 2014 को उत्तर प्रदेश तथा 3 मार्च 2014 को मुंबई में इसका प्रारंभ किया गया है। क्या निवेश और व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विकसित किया जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के दादरी से होकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगी, 1504 किलोमीटर का लंबा रास्ता 6 राज्यों से उत्तर गुजरेगा। बहुत जरूरी चीज है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखते जाइए, कहाँ कहाँ से गुजरेगा, यूपी से गुजरेगा, हरियाणा से गुजरेगा, राजस्थान से गुजरेगा, गुजरात से, एमपी और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा, ठीक है। 6 राज्यों में डीएमआईसी पर्यंत है, कुल 24 निवेश क्षेत्रों को इसमें विकास हेतु चिन्हित किया गया है, जैसे अहमदाबाद में धोलेरा, भरूच दाहेगा, बडोरा अंकलेश्वर, ये सब चीजें हैं जो आपको याद रखना है, भीलवाड़ा सोनीपत, ये सब चीजें कुंडली के आसपास जाएगी, ठीक है, दादरी नोएडा गाजियाबाद से, ठीक है। इसको एक बार नोट करके अच्छे देख सकते हैं, मुझे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बिल्कुल बता दिया आपको। दूसरा हमारा है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये दिसंबर 2011 में शुरू किया गया, ठीक है, भारत और जापान के बीच शिखर बैठक जो हुई तो दोनों देशों के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने चेन्नई बेंगलुरु क्षेत्र में अवसंरचना को बेहतर बनाने के कदम उठाया, ठीक है। और इसका जो लगभग रास्ता है वो है 560 किलोमीटर, ठीक है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य से होते जाएगा। इसमें जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो एजेंसी है वो काफी काम देने की कोशिश करेगी, ठीक है। और इस पे कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। इसके बाद है तीसरा बेंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारा, ये तीसरा, ये 2013 को शुरू की गई, ठीक है। इस पे क्या किया गया, ये जो 2013 पे शुरू की गई इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, उसके बाद थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। भारत और ब्रिटेन बहुत अच्छे से समझ के, ये आपको आसान भी लग रहा होगा लेकिन जब वहां एग्जाम में बैठे तो सब कुछ भूल जाता। ये बेंगलुरु मुंबई जो है वो शुरू की गई है किसके किसके बीच के, भारत और ब्रिटेन के शिखर वार्ता से शुरू हुई, ठीक है। तो बस इसमें यही याद रखना था, और ज्यादा तो बाकी सब चीजें वही सी। इसमें भी महाराष्ट्र राज्य में 4 और कर्नाटक राज्य में 6 नोड चिन्हित किए गए। इसके बाद एक बताता हूँ आपको, अमृतसर कोलकाता जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, चौथा जो हमारा अमृतसर और कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, ये है सरकार ने जनवरी 2014 में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। क्या है, एक तो ईस्टर्न फ्रीड कॉरिडोर, ये दोनों साइडों में 150 से 200 किलोमीटर बैंड के साथ
सात राज्य शामिल होंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये राज्य भी याद रखिएगा। ठीक है, सरकार ने सिद्धांतों में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट जो है की स्थापना भी दे दी है और इसकी कार्रवाई भी करने जा रही है। इसके बाद पूर्वी तट आर्थिक गलियारा ईसी, पूर्वी तट आर्थिक गलियारा कोलकाता चेन्नई तूतीकोरिन को जोड़ने वाला आर्थिक गलियारा है, या तटीय आर्थिक गलियारा कहते हैं। इस गलियारे को कुल लंबाई 2500, सबसे ज्यादा लंबाई जो है इसी की है, कितनी है 2500 किलोमीटर प्रस्तावित है। 800 किलोमीटर लंबा जो बिजांग चेन्नई और दो गलियारा बनाया जाएगा। ठीक है, चार आर्थिक फेज के इकोनॉमिक नोड्स हैं, जैसे विशाखापट्टनम, काकीनाड और फिर गन्नावरम, कंडीपडू, श्री कलाहस्ती, एडोरप्पू, ये बनाए जाएंगे। ठीक है, इसको 23 फरवरी 2017 को बिजांग चेन्नई औद्योगिक गलियारे हेतु भारत सरकार ने, इस पे बहुत जरा जरूर जानना है, एशियाई विकास बैंक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, कीमत ये $375 करने में समझौता किया गया, तो ये भी जानना हमारे लिए जरूरी चीज है। तो मैंने जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी उन्हें बात को बता दिया, आपको इसको करना है और जितनी आवश्यक जानकारी थी इसमें मैंने सब कुछ आपको देने की पूरी कोशिश की। ठीक है, और अब आपका काम इसको रिवाइज करना, इसको जो है बोलता हूँ उसको पूरी तरह से आप अगर लिखेंगे, लिखने की कोशिश पर ज्यादा ध्यान दीजिए, अगर आप लिखेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपको कोई नहीं पीछे कर सकता। ठीक है, मैं भी इकोनॉमिक नोट की बात किया था, थोड़ा सा बता देता हूँ इकोनॉमिक नोट है क्या, आर्थिक गांठ क्या है, शब्दों को जानना चाहिए क्योंकि जो दूर दराज के मेरे मित्र हैं उनको थोड़ा दिक्कत होना हो। ये जो भी नियोजित विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एवं औद्योगिक पार्कों का एक ऐसा समन्वित समूह होता है जहां उपभोक्ता उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी बाजार उपलब्ध कराया जाता है, एक मार्केट उपलब्ध कराया, उसे आर्थिक गांठ कहते हैं। ऐसे ही औद्योगिक गुच्छे होते हैं, तो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जहां पर विशिष्ट उद्योगों का पोषण किया जाता है उसे गुच्छे कह देते हैं। औद्योगिक गलियारा क्या है, औद्योगिक हेतु आवंटन आधारभूत ढांचा देना, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को औद्योगिक गलियारे की संज्ञा दी जाती है, जैसे अच्छी भूमि, अधिग्रहण हो जाए, कच्चे माल का आपूर्ति हो जाए, आसान ऋण मिल जाए, विद्युत आपूर्ति अच्छी हो जाए, सस्ता श्रम मिल जाए, तो ये औद्योगिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। फिर है ये तो इंडस्ट्रियल गलियारा, एक होता है इकोनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक गलियारा, तो एक ऐसी अवधारणा है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत अवसंरचना का समन्वित नेटवर्क आर्थिक विकास के निमित्त डिजाइन किया जाता है। इसके तहत उच्च उत्पादन हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण कर दिया जाता है, प्रतिस्पर्धी बाजार तक पहुंच बनाने के लिए परिवहन तथा साधना अच्छे से विकास करने जाता है, ये सब चीजें। मैं एक्चुअली औद्योगिक गलियारा और आर्थिक गलियारा इसलिए बताया क्योंकि अभी हाल ही में जब इंटरव्यू चल रहे थे तो एक मेरे मित्र हैं आईएएस, तो वो जब इंटरव्यू देने गए तो उनसे ये क्वेश्चन मतलब शायद जाते जाते उनसे पूछ लिया गया था कि जी बताइए औद्योगिक गलियारा और आर्थिक गलियारा में क्या अंतर है, तो वो थोड़ा सा रुक गए थे, इसलिए मैं मेरे दिमाग में इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि देखिए क्या है कि बहुत सारे अपने भाई बंधु हैं, ठीक है, जो गांव में परिवेश में रहते हैं, ठीक है, उनके पास चीज़ें नहीं होती, कोचिंग नहीं कर पाते और नहीं पहुँच पाएगी सुविधाएं, तो अगर उनको आप शेयर करेंगे, उनको बताएंगे तो वो इससे लाभान्वित हो सकेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखेंगे उनको हो सकता है अच्छा ना लगे या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपने अपने पढ़ाने की शैली होती है, अपने अपने समझने की चीज़ें होती है, तो इसको आप जब शेयर करेंगे वहाँ तक जहाँ तक किसी बच्चे को जानकारी हो सके। मैथ मेरा तो उद्देश्य है कि अगर आप आपकी ज़रूरत की नहीं तो आप अपने छोटे भाई बहनों जैसे जो 10वीं 12वीं में लगभग 12th के बाद से जो कॉलेज में, वो उनको ये वीडियो अगर पहुँचेगी तो और ज़्यादा सही रहेगा, जो IAS या PCS अधिकारी बनना चाहते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सो मच।